तो और बताओ एनिमे फैंस, क्या हालचाल? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी यार, इसके लिए सॉरी, क्योंकि यार मुझे टॉपिक ही नहीं मिल रहा था। बट हाँ, शॉर्ट वीडियो तो मैं अपलोड कर ही रहा था, एंड उसी के साथ साथ मैं कुछ हिंदी डब एनिमेज भी देख रहा था, जिसमें से ये एनिमे जिसका नाम है द डेली लाइफ ऑफ द इमोर्टल किंग, जिसका फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड कुछ ही दिन पहले ही रिलीज हुआ, एंड ये एपिसोड हिंदी ऑफिशियल डब में है जो कि क्रंची रोल कर रहा है। सो अगर तुमने ये एनिमे फैन हिंदी डब में देखा है या किसी अदर लैंग्वेज में देखा है तो यार अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बोलूंगा कि तुम इस एनिमे को क्रंची रोल से हिंदी डब हुए देखो। मैं आपको बता दूं, ये एनिमे एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी के कैटेगरी में आती है। सो इस एनिमे के मेन कैरेक्टर का नाम है वॉन्ग लिंग, एंड इस कैरेक्टर के पास बचपन से ही बहुत ज्यादा ताकत होती है जिसे ये खुद कंट्रोल नहीं कर पाता, बट इसके मॉम डैड इसके हाई पावर को लिमिट में रखने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, जिससे होता तो ज्यादा कुछ नहीं बट वॉन्ग लिंग अपने पावर को कंट्रोल में रखना सीख लेता है। एंड वॉन्ग लिंग 16 या 17 साल होने के बाद जाता है कॉलेज, जहाँ पे सभी स्टूडेंट के पास होती है कुछ अलग अलग स्पिरिचुअल पावर। सो अपनी पावर को वो कैसे यूज करेगा, क्या वो अपनी पावर को लिमिट में रख पाएगा या फिर वो अपनी पावर का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करेगा। सो अगर आपको ये सब जानना है तो ये एनिमे देखना पड़ेगा। सो ये एनिमे तुम्हें टून गर्ल्स फॉर ऑल डॉट इन या डेड टून इंडिया पे तुम्हें इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।